अजमेर पुलिस के सिविलियंस थाने में तैनात कांस्टेबल अरविंद गेगल के साथ सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जेनरल अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि अरविंद के परिचित द्वारा पिता के पैरालाइज अटैक की सूचना पर वह घर जा रहा था। इसी बीच सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गया, जिसे जेनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट कैसे और क्यों हुआ, इसकी जानकारी अरविंद के होश आने पर मिलेगी। फिलहाल उचित इलाज के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है, जिससे कि अरविंद सकुशल अपनी ड्यूटी पर पहुंच सके। अरविंद कांस्टेबल है हमारा, सिग्मा में रात्रि ड्यूटी में था। कंट्रोल रूम की इन्फॉर्मेशन के अनुसार 4:30 के बीच में उसने इन्फॉर्म किया कि उसके घर से कोई फ़ोन आया था कि उसके फादर को पैरालिटिक अटैक हो गया, तो वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करके अपनी गाड़ी से निकल गया था घर जाने के लिए। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और अभी अनकॉन्शियस स्टेज में हॉस्पिटल में भर्ती है। एक्सीडेंट किस तरह से हुआ उसके होश में आने के बाद ही पता पड़ पाएगा। सिविल लाइंस एक्सीडेंट जो हुआ है वो गेगल थाना इलाके का।